आप लोगों को बोर्ड से ज्यादा ही उम्मीदें हैं, तो हम आज हम आ चुके हैं कंपैरिजन के साथ। एंड यूनिक कंपैरिजन है जिसमें हमने बोर्ड को रखा है इन दोनों ईयरफोन्स के साथ, Realme A6 एंड OnePlus Nord Bud 3 Pro। इनिशियल डिस्काउंट खत्म हो चुका है, निर्वाणा आईवी अभी के लिए 3300 रुपीज मिल रहे हैं, विच इज सिमिलर टू Realme A6 एंड Note 3 Pro। कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड क्या बोर्ड इनके साथ कम्पीट कर सकता है इन रियल, चलिए चेकआउट करते हैं। बट अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट डील एंड ऑफर के लिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। तो हाँ, पैकिंग में बोल सकते हैं बोट ने डेफिनेटली काम किया है एंड बेटर पैकिंग मिलती है इन दोनों के कंपैरेटिव। इनसाइड द बॉक्स आपको पेपर वर्क मिल जाएंगे, यूजर मैनुअल, एक टाइप सी चार्जिंग केबल एंड 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स। नोट में आपको बेसिक पैकिंग जरूर मिलती है, बट यहाँ पे भी यूजर मैनुअल मिलेगी, नोट स्टिकर है, ईयर टिप्स एंड एक चार्जिंग केबल। रियलमी ने कोई स्टिकर नहीं दी, बट यूजर मैनुअल, ईयर टिप्स एंड चार्जिंग केबल यहाँ भी आपको मिल जाएगी। सो बॉक्स कंटेंट ठीक है एंड इतना कोई ध्यान नहीं देता है बॉक्स कंटेंट पे, एक्चुअल प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली आप लोग ध्यान देते हैं। तो निर्वाणा आईवी से स्टार्ट कर, काफी बड़ा वाइड बल्की बॉक्स यहाँ पे देखने मिलता है, पूरा टेक्सचर मैट फिनिश आपको मिलेगी, LED इंडिकेटर एंड एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एंड ये लैनियर्ड बना रही है इसको थोड़ा सा यूनिक। सिंगल हैंड आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको दोनों हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। इनसाइड द चार्जिंग केस आपके ईयरबड्स अवेलेबल है विद द लेफ्ट राइट इनिशिएशन एंड आपको एक बटन मिल जाता है फॉर रीसेट और फॉर कनेक्ट एज वेल। नाउ ईयरबड की जो बिल्ट है काफी बल्कि ईयरफोन आपको देखने मिलते हैं, ये लाइट वेट बिल्कुल भी नहीं है, मल्टीपल फिनिश मैट ग्लोसी एंड मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया, जो ईयर फिटिंग आपको उतना बेटर प्रोवाइड नहीं करते, काफी बड़े बड़े ईयर में आपको ये देखने मिलते हैं, हाफ एन आवर वन आवर आप हार्डली इसको यूज कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रियलमी अपना मेटालिक फिनिश के साथ आता है, जहां पे रियलमी की ब्रांडिंग है, एक LED इंडिकेटर, यहाँ पे आपको आउटसाइड ही फिजिकल बटन मिल जाता है एंड एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। हिंज का फीडबैक काफी सॉलिड है, आप इसको सिंगल हैंड ऑपरेट कर सकते हैं, जल्दी से ईयरफोन्स निकालें आप आराम से निकाल पाएंगे। नाउ फिटिंग वगैरह के मामले में ये बोर्ड से कहीं बेटर ईयर फिटिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनका सेप साइज है स्टैम्प वाला काफी परफेक्टली आपके ईयर में फिट बैठता है। तो इवन तो आप अपने हेड को सेक करेंगे या फिर वर्कआउट करेंगे, इंटेंस वर्कआउट के दौरान भी ये आपके ईयर से पॉप आउट नहीं होंगे, काफी सिंपल सा डिजाइन यहाँ पे आपको मिलेगा। वन प्लस की बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फिनिश यूज की है, ये डेफिनेटली आपके स्मैसेस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट काफी जल्दी आ रहे हैं, बट इसका जो फाइबर फिनिश है यार काफी प्रीमियम टच दे रहा है। अलग से दिखने वाले वन प्लस के ईयरफोन्स आपके लिए ब्रांडिंग, LED इंडिकेटर, फिजिकल बटन एंड चार्जिंग पॉइंट हर चीज कंटेन करते हैं। एंड अगर बात करें ओवरऑल यहाँ पे फीडबैक की, तो काफी सॉलिड यहाँ पे फीडबैक आपको मिलता है। एंड ईयर फिटिंग वन ऑफ द बेस्ट, अंडर 3000 रुपीज आपको ईयर फिटिंग यहाँ पे मिल जाती है, सो आप इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग सेशन। वन प्लस में IP54 की रेटिंग मिलती है, रियलमी IP55 एंड बोट IPX5 की रेटिंग आपको प्रोवाइड कर, जो इन दोनों ब्रांड से बोट की रेटिंग कम है। नाउ फॉर द कनेक्टिविटी पार्ट, तीनों ईयरफोन्स अपनी अपनी फास्ट पेयरिंग के साथ आते हैं, गूगल फास्ट पेयरिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रियलमी को छोड़ के दोनों ईयरबड्स आपको गूगल फास्ट पेयरिंग के अलावा डुअल पेयरिंग का सपोर्ट दे रहे हैं एंड तीनों में ही आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। सो रियलमी थोड़ा लैक कर रहा है, डुअल पेयरिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलती, बट एप्लीकेशन सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा एंड जो कि वन प्लस एंड बोट के कंपेरेटिव सबसे बेटर है। रियलमी में आप काफी सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑडियो पार्ट को लेके, ANC को लेके, जो कि आप वन प्लस की ऐप में भी कर पाएंगे, बट बोट में उतने ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते। बोट की ऐप लाइक काफी बेसिक दिखती है, विद लेस फीचर लेस कस्टमाइजेशन, जो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ यूजेस, काफी पैथेटिक एक्सपीरियंस रहेगा। एंड जो नेक्स्ट पार्ट हमारे वीडियो का वो है ऑडियो क्वालिटी, यहाँ पे आपको ऑडियो में कौन सा बेटर परफॉर्मिंग ईयरफोन्स मिलता है। स्टार्टिंग करते हैं विद बोट ओनली, तो यहाँ पे आपको 11mm के ड्राइवर्स मिलते हैं विद मिमी ऑडियो एंड ये हेड ट्रैकिंग के साथ आते हैं, इकलौते चीप ईयरफोन्स हैं जो कि इस बजट पे आपको हेड ट्रैकिंग देते हैं, विच इज ए गुड ऑप्शन एंड स्पेशल इफेक्ट आपको मिलता है। तो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर यहाँ पे काफी बैलेंस एंड बेटर मिल जाता है कंपेयरिंग विद अदर ईयरफोन्स। बट अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, जहां पे कंपटीशन में वन प्लस एंड रियलमी स्टैंड आउट कर रहे हैं, जो कि इसको इजिली बीट कर सकते हैं, साउंड कस्टमाइजेशन के लेवल जो है ना वो यहाँ पे आपको काफी कम मिलता है, जो एक रीजन है इसकी साउंड परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं है। उसके बाद OnePlus Nord 3 Pro आते हैं, जो कि आपको 12.4mm के टाइटनाइज ऑडियो ड्राइवर्स देते हैं, साउंड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हाई फाई ऑडियो प्रोफाइल नहीं है जिसमें आप LHDC, LDAC, हाई रेस, मिमी या कुछ भी सिग्नेचर बोल लो, प्लेन 12.4mm के सिंगल ड्राइवर्स रखे गए, जो कि आपको बेस पे ऑप्टिमाइज मिलते हैं, थोड़ा डार्क सिग्नेचर, बट इनका सिग्नेचर बोट के कंपेरेटिव बेटर है, इवन तो बोट ने बेटर साउंड सिग्नेचर यूज किया हो, प्रोफाइल्स यूज क्यों, बट या वन प्लस बीट इट इजिली। एंड रियलमी के सिनेरियो में चीजें और बेटर हो जाती हैं,
क्योंकि हाई रेस ऑडियो वायरलेस वाला एंड LSDC 5.0 सपोर्ट कर रहा है, जिसमें बेटर साउंड कस्टमाइजेशन, बेटर क्लैरिटी, बेटर एक्यूरेसी, काफी सारी चीजें मिलती हैं जो आप लोग डेफिनेटली चाहेंगे अपनी डिवाइस में। एंड अंडर 3000 रुपीज वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो ईयरबड्स हैं वायरलेस जो आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। नाउ साउंड क्वालिटी प्रायोरिटी है, आप रियलमी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है ईयर फिटिंग एंड ए गुड साउंड सिग्नेचर विद हैवी बेस, वन प्लस आपके लिए बेटर है। हेड ट्रैकिंग ऑप्शन चाहिए विद अ डिसेंट, आप यहाँ पे बोट ले सकते हैं। तीनों एयरफोन्स इन डिटेक्शन के साथ आते हैं जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे टच सेंसर भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तीनों एयरफोन्स में एप्लीकेशन सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है जो कि इसको इजी बनाता है इनकी टच कंट्रोल को कस्टमाइज करना। अब गेमिंग बेस यार लाइक इस बजट पे नॉर्मली एयरफोन्स क्लेम नहीं करते, बट लकीली यहाँ पे तीनों एयरफोन्स आपको बेटर गेमिंग लेटेंसी ऑफर कर रहे हैं। सबसे बेस्ट मिलती है वन प्लस में 47 ms की लो लेटेंसी, विच गिव यू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन गेमिंग, जहां पे आपको लेस लेटेंसी एंड बेटर क्लैरिटी विद ए डिसेंट सेपरेशन मिल जाएगा जो गेम को काफी बेटर बनाता है। उसके बाद आते हैं रियलमी की बारी, 55 ms की डिसेंट लेटेंसी यहाँ पे मिल जाती है जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए आप रिग्रेट नहीं करेंगे, एक डिसेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाता है। बट बोट आपको प्रोवाइड कर रहा है 60 ms की लेटेंसी विच इज ऑन द थर्ड रैंक अगेन, एंड उतना बेटर यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है, सेपरेशन आपको उतना बेटर नहीं मिलता, क्लैरिटी भी कुल मिलाकर ठीक ठाक मिल जाती है बट बेस्ट नहीं है इस सेगमेंट का। नाउ ANC, अब ANC तीनों ब्रांड आपको काफी कमाल के क्लेम कर रहे हैं। बोट एंड रियलमी दोनों आपको 50 dB के नॉइस कैंसिलेशन दे रहे हैं, जहां पे वन प्लस 49 dB। अब 49 dB वन प्लस का बेटर है स्टिल बोट के 50 dB से, एंड यहाँ पे आपको बेटर ANC, बेटर कस्टमाइजेशन। ANC आप मल्टीपल वे से यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। एम्बेंट मोड भी बेटर क्लियर एंड एक्यूरेट मिलता है। बोट आपको अगेन यहाँ पे नंबर 3 पे फोल करता हुआ देखेगा। बेस्ट ANC आपको मिलता है रियलमी में जो आपको 50 dB का दे रहा है, बेटर क्लैरिटी, बेटर बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं रियलमी में भी, बट बोट में इस टाइप के फीचर्स नहीं मिलते हैं, आप उसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते। ANC ऑफ से एम्बिएंट मोड में शिफ्ट करेंगे, देन आप जाएंगे ANC ऑन में, तो वो चीजें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट माइक्रोफोन क्वालिटी, जहां पे वन प्लस एंड रियलमी इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद आपको 6 माइक सपोर्ट दे रहे हैं, बट बोट स्टिल 4 माइक पे अटका हुआ है। तीनों का माइक्रोफोन हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एक बार चेक कर लो कौन सा माइक आपको बेटर परफॉर्मिंग यहाँ पे मिल रहा है। ऑफकोर्स बोट यहाँ पे नंबर 3 आएगा अगेन। ये है बोट की निर्वाणा IV एयरफोन्स जो हम टेस्ट करें अभी आउटडोर कंडीशन, आउटडोर कैपेसिटी के लिए बाइक करी है, जहाँ पे इसका 4 माइक कितना बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था बट उस टाइम ये मेरे पास आए नहीं थे। क्वाड माइक्रोफोन इस बजट में मिल रहा है, बट आप दूसरे फोन की ओर देखेंगे जहां तक आपको ओप्पो एंड रियलमी जैसे ब्रांड 6 माइक्रोफोन सपोर्ट दे रहे हैं इन द सेम बजट इन द सेम प्राइस कैटेगरी, इनका माइक्रोफोन किस टाइप का आप कमेंट करके बता सकते हैं। 6 माइक्रोफोन के साथ रियलमी के 6 के परफॉर्मेंस कुछ इस टाइप की आती है, अगर आप AC या फिर भी नॉइस एनवायरमेंट में है। एंड 6 माइक्रोफोन का मतलब भाई काफी क्लैरिटी के साथ ऑडियो आएगी, चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो सामने वाले शिकायत नहीं करेगा, तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन है इन ईयरफोन्स को लेकर। एंड काफी हाइप भी है रियलमी के 6 को लेकर, और काफी कमाल के ईयरफोन्स है, फर्स्ट इंप्रेसिव अमेजिंग है, बट ये है कूल क्वालिटी। देखने मिलता है मैं एनवायरमेंट में ऐसी चल रहा है एंड काफी नॉइस होती है, लाइक 60 dB के अराउंड नॉइस होती है, एंड ये इजीली उसको कैंसिल आउट कर रहा है जो कि आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। एंड इवन दो मैं एडिटिंग पार्ट डाल दूंगा जहाँ पे फोन के माइक की वीडियो आपको सुनने देखने मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट दिस माइक एंड विद दिस माइक क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक चीज में बोट यहाँ पे जीतता है ओन पेपर बैटरी बैकअप क्लेम में, जी हाँ 50 आवर का बैटरी बैकअप ही क्लेम कर रहे हैं विदाउट ANC के साथ 30 आवर के अराउंड बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। नाउ कंपेयरिंग विद रियलमी एंड वन प्लस, जहाँ पे 40 आवर रियलमी मिलता है, 44 आवर वन प्लस में मिलता है, बट अगर आप इसको ANC के साथ यूज करते हैं ना, बेटर बैटरी बैकअप मेंटेन करते हैं कंपेयरिंग विद बोट, तो यार अगेन बैटरी बैकअप में भी बोट अगर आप प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से देखें तो 3-4 घंटा आपको दे पाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम पे एंड विद ANC एक्टिव। तो ये बेटर बैटरी बैकअप में वन प्लस आपके जीते हैं, जो आपको 11 आवर का क्लेम कर रहे हैं, बट एट द एंड आपको 7-8 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड रियलमी में आपको 6-7 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इन द सिंगल चार्जिंग। सो अब आते हैं कंक्लूजन वाइज कौन सा बैटरी नहीं है। सो अगर आपको बेस्ट ईयर फिटिंग, ए डार्क और BC साउंड सिग्नेचर विद बेटर गेमिंग लेटेंसी, बेटर माइक्रोफोन, बेटर ANC चाहिए, तो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ वन प्लस। बट अगर आपको बेस्ट साउंड सिग्नेचर चाहिए विद ए हाई लेवल ANC, गेमिंग चल जाएगा थोड़ा बहुत ठीक है, माइक्रोफोन परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स,
एंड लाइक एवरीथिंग यहाँ पे आपको बेटर मिलती है, बट ये बेसिक डिजाइन लैंग्वेज सोलो कर ले तो आप ले सकते हैं रियलमी। इन दोनों के ऊपर बोट को लेने का सिर्फ इकलौता रीजन है, वो है इसका हेड ट्रैकिंग, जो ये दोनों ईयरफोन्स मिस आउट कर रहे हैं। तो इकलौते हेड ट्रैकिंग एंड डिसेंट साउंड सिग्नेचर के लिए बोट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यार सीधा सिंपल है, आप अगर कम्पीट कर रहे हैं अपने कंपेटिटर से, जान लीजिए वो क्या ऑफर कर रहे हैं क्या ऑफर नहीं कर रहे, तब जाके अपना प्रोडक्ट लाइए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बेस्ट ईयरफोन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बोट डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है, इन दोनों ईयरफोन्स में से आप चूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में।